यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं कमल कौशिक। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि हरियाणा में क्या कुछ हलचल चल रही है। फिलहाल बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि झज्जर से आ रही है। आपको बताते हैं कि गोल्डन गर्ल मनु भाकर का जोरदार स्वागत किया गया झज्जर में। और गोल्डन गर्ल कही जाती है मनु भाकर, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड दिलाया भारत को। इसके अलावा पहले भी इससे कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और जैसा कि पहले निर्धारित था, उनके परिजन भी कहते थे, गांववासी कहते थे कि जब मनु भाकर आएगी तो उनका जोरदार स्वागत होगा। तो अब धीरे धीरे हर जगह उनका इसी तरह का स्वागत किया जा रहा है। स्कूल में भी मनु का स्वागत किया गया है। यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है मनु, और वहाँ पर सभी ने उनका स्वागत किया है हर्षोल्लास के साथ। और मनु को शुभकामनाएं दी गई है, बड़ों की बुजुर्गों की तरफ से आशीर्वाद दिया गया है। और दीपेंद्र हुड्डा ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। अभय चौटाला भी मनु को सम्मानित करने वाले हैं, उन्होंने भी इसके लिए पहले उनको शुभकामनाएं दी थी। गांव गोरिया में खुशी का फिलहाल माहौल है। उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी ने दुनिया में देश का और हरियाणा का नाम और उनके गाँव का नाम रोशन किया है। सुमित कुमार झज्जर से खबर अभी तक संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद है। सुमित, जोरदार स्वागत किया गया है मनु भाकर का, क्या उन्होंने मन से कुछ बातें कही हैं इस दौरान? जी, आपको बता दें कि झज्जर के गांव गोरिया की बेटी है मनु भाकर, और गांव में पहुंचने पर मनु भाकर का जोरदार स्वागत किया गया गांव की तरफ से, और लाखों रुपए से सम्मानित किया गया मनु भाकर को, जिसमें की गाँव में खुशी का माहौल है। और गाँव में ही यूनिवर्सल स्कूल है, तो उसकी ही छात्रा है मनु भाकर, उसी स्कूल के प्रांगण में ही प्रोग्राम किया गया है, जिसमें कि गांव वालों को और स्कूल वालों को इनवाइट किया गया है। तो उसमें ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अजय चौटाला है, वो अभी शिरकत करेंगे थोड़ी देर में। और शाम दोपहर बाद 3 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री झज्जर के नेहरू कॉलेज प्रांगण में मनु भाकर को सम्मानित करेंगे। सुमित, अभी मनु भाकर वहीं पर मौजूद है जहाँ पर आप इस समय मनु भाकर यूनिवर्सल स्कूल के ग्राउंड में ही प्रोग्राम में ही मौजूद है, और उसके चेहरे पे खुशी का माहौल छाया हुआ है, जिसमें कि देख उसमें बहुत सारी खुशी हुई है। और उसके माता पिता बहुत खुशी नजर आ रहे हैं, जिसमें कि दादा दादी भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट और छात्राएं वो बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दे रहे हैं मनु को देखकर। सुमित, ये जो मनु भाकर के स्कूल के लिए काफी गर्व का क्षण है, मनु भाकर ने क्या वहाँ कोई संदेश देना चाहा है? वहाँ जो मौजूद बच्चे थे, उनके सहयोगी छात्र थे। देखिए, अभी गांव के द्वारा मनु भाकर को सम्मानित किया जा रहा है। अभी मनु का कोई अभी भाषण यहाँ पे या कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी थोड़ी देर में ही जैसे ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अजय चौटाला आएंगे, तो उनके बाद ही मनु को सम्मानित चलिए सुमित, आप नजर बनाए रखिएगा जब दीपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला यहाँ शिरकत करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी है।